Welcome back to my new YouTube channel, Need to Know. इस वीडियो में हम देखेंगे स्मॉल बिजनेस आइडियाज। ये जो स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे रिलेटिव और कुछ फ्रेंड्स सक्सेसफुली कर रहे हैं। ये बिजनेस को करने के लिए आपको उस काम के प्रति जीत चाहिए, प्यार चाहिए, तभी ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से आइडियाज हैं। पहला बिजनेस आइडिया है बेकिंग का। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप बेकिंग में अपना करियर आजमा सकते हैं। आपको केक बनाना आता है, बिस्किट्स, ब्रेड और बहुत सारे बेकिंग के आइटम आपको अगर बनाने आते हैं तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अभी कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारी महिलाओं ने घर पर ही होम मेड केक बनाना स्टार्ट कर दिया। केक बनाने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1 वीक का कोर्स करना पड़ेगा और इसमें ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बस आपको उस काम के प्रति लगन और पैशन है। आप अपनी जिद के भरोसे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। आप घर से ही केक की ऑर्डर ले सकते हो। अगर आपके बिजनेस में कहीं उतार चढ़ाव आता है आप अपने एरिया में जो बसे बसाए हुए बेकर्स हैं से कॉन्टेक्ट कर सकते, उनसे टाइप करके आप अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर सकते। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी होममेड केक बना के, कस्टमाइज केक बना के अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। उसके केक की वीडियोस आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप देख लेते। सेकेंड बिजनेस आइडिया है टेलरिंग। अगर आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो आप स्टिचिंग का कोर्स कर सकते। स्टिचिंग का कोर्स करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 6 to 1 year का कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी फीस भी ज़्यादा नहीं है तो आप वो अफोर्ड कर सकते हो। स्टिचिंग का कोर्स करने के बाद आप घर से ही ब्लाउज, साड़ीज या ड्रेस मटेरियल वो सब है स्टिच करके आप दे सकते हो। अगर आपको घर में ऑर्डर नहीं मिल रही है तो आप अपने मार्केट में जाके बहुत सारे जो स्टिचिंग या टेलरिंग के शॉप्स हैं उसमें विजिट करो, उनको आपकी जो कला है, आपका जो काम है वो उनको दिखाओ, तो उसको देख के वो आपको ऑर्डर देंगे या उस आपसे वो टाइप कर लेंगे और फिर आपका बिजनेस ग्रो हो जाए। मेरे जो भाई और मेरी जो बहन है वो दोनों ही अपना करियर टेलरिंग में कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन है। और मैं भी बचपन से देखती आई हूँ टेलरिंग स्टिचिंग का काम, तो मुझे लगता है कि अगर आपको उसके प्रति लगाव हो जाएगा तो आप जरूरी इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है कोचिंग। आप कोचिंग कोई भी फील्ड में कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप डांस का कोचिंग कर सकते हो। टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग का कोचिंग कर सकते हो। जैसे कि जिम्बा डांस हुआ, मेहंदी आर्ट हुआ, रंगोली आर्ट हुआ, कुकिंग क्लासेस हुए, जिसमें आप माहिर हो उसके आप क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप छोटे छोटे बच्चे या बड़ों बड़ों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके टीचिंग क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोचिंग सेंटर ओपन करने के बाद आपके यहाँ कोई स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो पहले आपको आपकी घबराहट दूर करने के लिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को विजिट करें, वहाँ से टाइप कर लें, आप पहले वहाँ काम करें। थोड़े दिनों के बाद जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपके कॉन्टैक्ट्स पड़ेंगे तो अपने आप थोड़े दिनों में अपना कोचिंग सेंटर या घर वाले कोचिंग सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि दूसरा है मेहंदी आर्ट। अगर आपको मेहंदी आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस अपनी कला को और आगे बढ़ाइए। और जैसे ही हमारे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, मेहंदी फंक्शंस जो कि बहुत शादियों में, बेबी शॉवर में, सगाई में और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, इंडियन फंक्शंस होते हैं, उसमें मेहंदी लगाई जाती है, तो वहाँ पे आप अपने आर्ट बिजनेस को लेके आगे जा सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, आप
जुम्बा डांस ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हुआ तो। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन बिजनेस आइडियाज वो हैं जो मैं खुद उस पर काम कर रही हूँ। फोर्थ है यूट्यूब का, अगर आपको ऑनलाइन या डिजिटली बिजनेस करना हो, पैसे अर्न करने हो, तो आप यूट्यूब का ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, इसमें बहुत सारे पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 आवर वॉच टाइम चाहिए होता है। तो ये करना थोड़ा सा, 1 साल के अंदर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप अगर मेहनत करो और उसके प्रति प्यार हो तो आप जरूर कर सकते हो। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। और लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है फिफ्थ ऑप्शन, जो है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें स्टडी चाहिए, तो ही आप इसमें रह सकते हो। और इसमें पेशेंस भी बहुत मायने करता है, आपको आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट है क्या उसकी स्टडी करनी चाहिए, और उसमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड ग्राफ पूरा चेक करना चाहिए। उसका शेयर की क्वालिटी क्या है, वो मतलब निफ्टी 50 में है या निफ्टी बैंक में है, वो सब चेक करके आपको शेयर मार्केट में शेयर को बाय करना चाहिए। शेयर मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। देखो, शेयर मार्केट ये कोई सट्टा नहीं है, ना ही जुगा, ये एक स्टडी बेस्ड करेंसी है। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ और आई थिंक आई अर्न गुड। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही नीड टू नो बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नीड टू नो।